खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पेपर लीक मामले में हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार को विधानसभा में घेरा। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसे लेकर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खास बातचीत भी की है, आपको वो सुनवाते हैं। रंधावा जी नमस्कार, आपका फर्स्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। रंधावा जी, विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा है पेपर लीक को लेकर, आज से नहीं, जब से ये मसला हुआ, जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पूरा मसले को सुलझाया। लेकिन अब हरीश चौधरी, पहले सचिन पायलट करते थे, लेकिन अब हरीश चौधरी बयानबाजी कर रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष ये एक सुर में कैसे, सब क्या अशोक गहलोत के खिलाफ? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल, जी बताएं, आवाज आ रही है मेरी? जी रंधावा जी, आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज बताएं। हाँ, जो पेपर लीक का मेरे मसला है, मेरे आने से पहले का है और बहुत सेंसिटिव है, और इस मसले के लिए जो मैंने बात की थी सीएम के साथ, उन्होंने कहा कि हमने 41 जो आदमी को पकड़ दिया है, बाकियों की इंक्वायरी चल रही है। और इसके ऊपर तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं होने देगी कि इसके साथ लीनियंट व्यू लिया जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी आदमी है, चाहे कोई बड़ा आदमी है चाहे छोटा है, उसके ऊपर एक्शन करेंगे और ये होगा। रंधावा जी, आपने एक्शन की बात कही है, आप ही के विधायक हरीश चौधरी विधानसभा में एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। विधानसभा में जो बोलना है वो किसी विधायक का हक है, बाहर आकर अगर कोई बात करता है तो हरीश चौधरी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर भी और हाई कमांड के मेंबर हैं, उनको ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। जो पार्टी के अंदर बैठकर बात कर सकता है, जो हाई कमांड के साथ बैठकर बात कर सकता है, वो प्रेस में जाए, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आप भी यही समझता हूं कि ये सेंसिटिव है, नौजवानों का मसला है, उनकी नौकरी रोजी रोटी का सवाल है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिक्स में और इंडिविजुअल जो मीन फाइटिंग है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। इनफ इज इनफ, बहुत कुछ हो गया पंजाब में, राजस्थान में बहुत स्टेटमेंट, बहुत इनडिसिप्लिन का बर्दाश्त नहीं होगा। इलेक्शन ईयर है, कांग्रेस को अगर हम दूसरी स्टेट में जाकर ये कह सकते हैं कि डिसिप्लिन इम्पोज करेंगे, उन लोगों को अपनी स्टेट में भी इसका पालन करना होगा। बिल्कुल रंधावा जी, एक बात आपसे कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा से पहले इसका जवाब चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले केसी वेणुगोपाल जी ने बंद कमरे में कहा था कि कोई भी व्यक्ति, जैसा आपने अभी कहा कि देखिए वेणुगोपाल जी ने कहा इन सभी को उनका ऑनर करना चाहिए था, क्योंकि वेणुगोपाल जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं जी। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ऐसी स्टेटमेंट हाई कमांड कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, जो अंदर बैठकर हम बात कर सकते हैं उसको ओपनली और जानबूझकर कोई स्टेटमेंट देगा, सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर एक चीज समझना चाहते हैं, सचिन पायलट ने कल कहा कि जो व्यक्ति सत्ता में रहकर दोबारा सरकार रिपीट नहीं करा सकता वो हटता क्यों नहीं है? राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को असेट बताया था, उसके बावजूद भी ऐसे बयानबाजी, क्या ये भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी? देखिए ऐसा कहना कि जो आदमी सत्ता में रहकर दोबारा नहीं कर सकता, ये हम सबका ही जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस पार्टी को लोग नहीं हराते, कांग्रेस पार्टी को लीडर जो बेतुका स्टेटमेंट देकर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वो नुकसान करते हैं पार्टी का। और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम इतनी बार इतने ओहदों पर रह जाते हैं, तो फिर उसी पार्टी का क्रिटिसिज्म जो है, और अपने लीडर जो जिस लीडर ने, राहुल गांधी ने जिन लोगों के ऊपर पूरा विश्वास किया हो, वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि कभी बर्दाश्त नहीं होगा।
बिल्कुल, तो ये पूरी बातचीत आपसे बस एक बात से खत्म करना चाहते हैं कि आप हम ये मान लें कि अब एक बड़े डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं राजस्थान में इन तमाम बयानबाजी के बाद। देखिए आप लोग, ये पहले जब मैंने एंटर किया था आप लोगों ने कहा कि जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नहीं बनी, इसमें से वो मंडल कमेटी नहीं बनी, मैंने कहा कि मर्ट बनेगी और मैंने काम अपना स्टार्ट कर दिया। एक महीने में मैंने 250 जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और मंडल कमेटीज मैंने बना दी। मैं काम करने वाला आदमी हूं, जो सभी लीडर हैं मेरे को जानते हैं, पंजाब के साथ इनका बहुत नज़दीकी रिश्ता है, उनको पता है मेरे वर्किंग के स्टाइल का पता है। मैं डिसिप्लिन में रहने वाला हूं, पार्टी के लिए काम करने वाला हूं, जो पार्टी के अगेंस्ट काम करेगा उनके ऊपर जरूर हाई कमांड के साथ बात करेंगे करेंगे और इसका कोई हल निकालेंगे कि आइंदा ऐसी, मैंने जो इनफ इज इनफ मैंने कह दिया, इसका मतलब आप समझ जाइए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।